देखिए दोस्तों, ये जो तमिलनाडु का गांव कितना मस्त है। सोच रहा था ये लोग क्या रात भर दिन भर जो है पकाते रहते हैं। देखिए चिल्ला रहा है कैसे। हाँ तो भैया लोग कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग मस्त हो। तो सीधे आप लोग से जुड़ रहा हूँ तमिलनाडु से डायरेक्ट लाइव, जो अभी मैं जो तमिलनाडु के गाँव में हूँ। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ का जो है घर कैसा होता है और लोग जो है किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। रहने का भी तरीका और इन लोग का घर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हम लोगों से। तो दोस्तों सोचा थोड़ा आपको भी दिखाया जाए कि आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि तमिलनाडु के गाँव में लोग जो कैसे रहते हैं, कैसा घर होता है और उन लोग के घर के आसपास क्या क्या होता है, तो ये मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वाला आपको जो गांव दिख रहा होगा, इसी गांव में हूँ और यहाँ पर आपको जो नारियल का पेड़ दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों नारियल का पेड़ कितना ज़्यादा है। और इसी गांव के यहाँ पर मैं हूँ रोड के ऊपर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गांव कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर एक जो बूढ़ी दिख रही है, बुढ़िया, और ये गाँव कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो पानी ना है, फिल्टर वाला पानी जो यहाँ पर गिरते रहता है, यहाँ पर आपको जो दिख जाएगा इधर, देखिए दोस्तों फिल्टर वाला पानी जो यहाँ पर जो गिरते रहता है, यहाँ से आप जो पानी भी पी सकते हैं दोस्तों। आपको दिख जाएगा, देखिए पानी भी पी सकते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है। सुबह में लोग जो अपने अपने घर में जो पानी यहीं से भर के लेके जाते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ दोस्तों कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं और घर के आसपास का व्यू कैसा दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इधर से मैं जो शुरू करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दिख जाएगा ना, यहाँ पर जो भैंस गाय रहती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो देखिए दोस्तों यहाँ पर गोबर रखा हुआ है, कैसे इस तरीके से डब्बा में जो गोबर रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारा कुत्ता चिल्ला रहा है उधर। यहाँ पर देखिए दोस्तों डब्बा में इस तरीके से गोबर रखा हुआ है, इधर जो बाइक लगा हुआ है, और इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से कचरा वचरा दिखेगा। और इस घर में आपको जो दिख जाएगा ना, यहाँ पर देखिए एक जो टोटी लगा हुआ है, और यहाँ पर दूध जो बेचा जाता है, दूध निकाल कर भैंस का, गाय का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों बूढ़ी है मैं जो है यहाँ पर जो घर साफ कर रही है अपना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं इसको देखा ना, तो मैं सोच रहा था ये लोग क्या रात भर दिन भर जो है पकाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूल कुछ इस तरीके से यहाँ का होता है, और इसी पर जो है गर्म पानी किया जाता है दोस्तों, और कुछ नहीं किया जाता है, गर्म पानी किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं इतना तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि घर में गैस है तब भी ये लोग जो गर्म पानी करते हैं बाहर। और दोस्तों देखिए इधर जो लकड़ी उकड़ी रखा हुआ है, वो जल्दी आगे बढ़ता हूँ। और इधर देखिए दोस्तों खपैला का घर दिखेगा, जो कि ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इधर भी देख सकते हैं दोस्तों, इधर भी जो सारे लोग जो अपने अपने घर के सामने जो है पानी को गर्म करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये साला कुत्ता हरदम चिल्लाते रहता है, साला मारूंगा ना, देखिए साला दुगला है बहुत, देखिए देखिए चिल्ला रहा है कैसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए रंगोली दिख जाएगा इस तरफ, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो शीशा लगा हुआ है मैं अपने आप को देख लूँ, और दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसा कुछ इस तरीके का घर होता है, गांव होता है दोस्तों। मैं छत के ऊपर भी चल के आपसे दिखाने वाला हूँ। और भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी को जो गर्म किया जा रहा है चूल्हे पर, और चूल्हे पर देखिए कितना यहाँ पर जो है रंगोली बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तभी भाई लोग मैं जो है छत के ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है। और मैं दोस्तों मैं जो छत के ऊपर आ चुका हूँ, और इस छत से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि तमिलनाडु का गांव किस तरीके से होता है दोस्तों। तो भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तमिलनाडु का काफ़ी खूबसूरत गाँव है दोस्तों, कोई सिटी नहीं है दोस्तों, गाँव में अभी मैं हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों गाँव में इतना खूबसूरत है, तो सिटी में कितना खूबसूरत घर होता होगा। देखिए भाई लोग कितना बेहतरीन देखने में लग रहा है। और इधर जो नारियल का पेड़ आपको जो हर जगह देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, कितना व्यू कितना मस्त दिख रहा है दोस्तों। इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, और सामने भी आपको जो गांव दिखेगा, तो चलिए इस तरफ मैं चलता हूँ। इस तरफ भी देख सकते हैं ये जो तमिलनाडु का गाँव है दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो धूप निकला हुआ है। और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा, अभी अच्छा अच्छा चीज़ दिखाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक जो नारियल का पेड़ दिखेगा, जिस पर जो काफ़ी ज़्यादा नारियल फरा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक नारियल का पेड़ है, और इसमें कितना ज़्यादा नारियल यहाँ पर जो फरा हुआ है। और दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं एक घर के ऊपर यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि
सूखा मिर्चा को जो सुखाया जा रहा है, और ये जो क्या है मालूम नहीं इसका नाम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा सूखा मिर्चा यहाँ पर घर के ऊपर सुखाया जा रहा है, क्योंकि धूप जो है काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपको दिखेगा। और ये देखिए दोस्तों ये जो तमिलनाडु का गाँव कितना मस्त है। तो वीडियो तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक जो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।